बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज मेरे साथ यूँ हुआ कि रोज़ा रखा और थोड़े बहुत काम किए और सो गई, सोई बहुत ज़्यादा देर तक, और बच्चों का हो गया स्कूल से आने का टाइम, और घर में कोई लंच नहीं तैयार किया मैंने बच्चों के लिए, कोई हंडिया वगैरह भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं आज पकाया मैंने। बच्चों को बहुत ज़्यादा लगी थी भूख और मैंने ली ब्रेड और लगाई ऊपर चॉकलेट, और बच्चों को दी ब्रेड का पीस दिया और साथ एक एक खजूर दी और कस्टर्ड दिया। बच्चों का लंच हो गया मिनटों में तैयार। लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसे मौके भी आते हैं, जैसे कि घर में बाज़ दफ़ा इंसान सो जाता है या कहीं चला जाता है तो घर में कुछ नहीं पका होता, तो घर में इस तरह की चीज़ें बहुत काम आती हैं। इसलिए घर में चॉकलेट फ्लेवर, जैम जैम या कोई भी चीज़ जो ब्रेड पर लगाई जाए आसानी बच्चों को दी जा सकती है। क्यूकम्बर हो तो वो बच्चों को ब्रेड के अंदर रख के दे दें, और अंडा दे सकते हैं, लेकिन गर्मी है मैंने अंडा वगैरह नहीं दिया बच्चों को, तो मैंने बच्चों को ब्रेड के ऊपर चॉकलेट लगा के दे दी। और अब मैं बहुत इजीली अपने दूसरे काम ख़त्म कर सकती हूँ। अब मैं हंडिया वगैरह बना सकती हूँ, रात का डिनर वगैरह तैयार कर सकती हूँ, कोई टेंशन वगैरह नहीं है क्योंकि बच्चों की भूख मिट चुकी है अब। और अब मैं बच्चों को दूंगी उनका लंच। कस्टर्ड मैंने आज मैंगो फ्लेवर में बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा चैनल पसंद आया है, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और साथ बेल आइकॉन के बटन को कीजिए प्रेस, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपनी नई वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।